हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में। और हमारी इस वक्त चल रही है इंटरलेकन की ट्रैवल सीरीज़, और हम बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस बना रहे हैं इंटरलेकन में। तो ये हमारा अगला पार्ट है। आपने हमारे अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसेटोवल टाउन, और जो कि है इंटरलेकन का एक बहुत ही प्यारा सा विलेज है, छोटा सा। तो मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। तो अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ के स्विस हाउसेस देखेंगे और गलियाँ देखेंगे यहाँ की। तो हमारे रूम से ही ये लेन जो है वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तो अभी चलते बिल्कुल लेक के साइड में ही, थोड़ा सा वॉक है ऊपर, और फ्लावर्स तो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो अभी चलते अपन भी देखते कि वहाँ पे क्या है। और ये क्या है, गैराज टाइप? हाँ, ये तो गैराज है, बोट्स वगैरह। हाँ। और इनको ना शैलेट्स बोलते हैं, ये जो हाउसेस होते हैं ना ऐसे, इनको शैलेट्स बोलते हैं, वुडन हाउसेस। ये पूरा प्रिजर्व करके रखा है ना। हाँ, मतलब इतना सुंदर कैसे हो सकता है यार, ऐसा लगता है कभी कभी कि। और इनको इसको संभाल के रखा है, मतलब ये लेक देखो इसमें, मतलब ऐसा लगता है कचरे का एक तिनका भी नहीं है बिल्कुल, मतलब इतना क्लीन है। और कितना सुंदर सेटअप किया, यहाँ पे क्लिप्स हैं, येलो रेड फ्लावर्स, और वहाँ पे वो ऐसे बेंच रखा है, कितना सुंदर रखता होगा, है ना यार। बाप रे, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये शॉट तो, ओ माय गॉड, बहुत जबरदस्त। बेंचेस रखे हुए हैं अंदर में भी ऐसा। गाइज, यही हमारा होटल था। तो आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने इस होटल का, हमारे रूम का टूर दिया है। तो यही लेन दिख रही थी होटल से भी। और यहाँ पे देखो एक कलर दिखेंगे, ट्यूलिप के कलर, इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत ज्यादा ही सुंदर है। वाओ, ट्यूलिप्स की तो बाहर है यहाँ पे। हाँ, कितना पिंक, कितने क्यूट क्यूट है। कल्याणी की एम्स्टर्डम जाने की बहुत इच्छा थी, ट्यूलिप गार्डन, तो हमें जाना ही है, लेकिन अभी तक के क्रिशु बेबी का हमारे पासपोर्ट नहीं आया है, इसलिए हम वहाँ स्विट्जरलैंड के बाहर तो नहीं जा सकते, बट यहाँ पे ट्यूलिप की इच्छा पूरी हो रही है। देख सकते हो साइड में लेक, पीछे इतने सुंदर माउंटेन और स्विस हाउसेस, और यहाँ पे ट्यूलिप्स, और क्या चाहिए लाइफ में। बहुत ही सुंदर नजारा है ये। यहाँ पे आके ना ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही दुनिया में आ गए, कि यहाँ पे हाउसेस देखो, ये छोटे छोटे टाइनी टाइनी हाउसेस इतने क्यूट दिख रहे हैं ना। और यहाँ पे ना ट्रेडिशनल हीटिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पे पूरा वुडन ब्लॉक्स वगैरह रखे हुए, और वो भी कितने अच्छे से रखे देखो। हाँ, ऐसे फैला के नहीं है। तो ये विंटर के लिए है, विंटर में इनको बर्न करके ही हीट, घर को हीट करते हैं। यस, अभी अपने यहाँ तो हीटर लगे, मतलब नए घरों में, मतलब शहरों में मॉडर्न हीटर। यहाँ पे ये जो विलेज है इसमें अभी भी वो हीटिंग वाली प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, मस्त। और थोड़ी वॉक में हम बहुत ऊपर आ गए ऐसा लग रहा है, ज्यादा हमने वॉक नहीं किया, बट पूरा ऐसा नजारा देखो आप, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी अपन जाते हैं वो लोकेशन पे जहाँ पे सिम्बा मूवी की शूटिंग हुई है, जहाँ पे सारा अली खान और रणवीर सिंह अपना, जिसने जहाँ पे अपने कदम रखे थे। हाँ, अपने चाचा का लड़का है क्या? नहीं। हाँ, उनका वो सॉन्ग शूट हुआ था ना, तेरे बिना, फेवरेट है वो। हाँ, तो मेरा भी फेवरेट है। तो इसलिए जाना हाँ। है, और वहाँ पे अभी देखना है कि कैसे लगता है वहाँ से, मतलब कल हमने देखा था, बट उस लोकेशन पे नहीं गए थे जहाँ पे तेरे बिना वो सॉन्ग शूट हुआ था, अभी वहाँ पे चलते हैं।
ये लैंडस्केप ही इतना सुंदर लग रहा है कि कितने क्या क्या कैप्चर करे। यहाँ पे ऐसे बेंचेस भी रखे हैं कि आप आराम से मस्त बट ऐसे बेंच ऐसे लग रहा है डर लग रहा है यहाँ पे बैठने के लिए। चले गए तो डायरेक्ट पानी में। बट कुछ भी बोले यार कितने भी टाउन में चले जाओ मतलब क्लीनलीनेस को मानना पड़ेगा इनके है ना। बहुत ही क्लीन हर जगह बहुत क्लीन है। कुछ क्लीन ही होता है इसलिए बोलते हैं स्विट्जरलैंड को पिक्चर परफेक्ट मतलब कहाँ पे भी आप पिक्चर निकाल सकते हो ऐसा स्विट्जरलैंड में। हम पहुंच गए वो लोकेशन पे। कितनी भीड़ है यहाँ पे। ओह माय गॉड फोटो के लिए बहुत लाइन है। गॉड कल भी ऐसे था यार। इनको भी पता है क्या सिम्बा की शूटिंग हुई थी यहाँ पे करके। ज्यादा ही लंबी लाइन नहीं है तो ज्यादा नहीं है कि है मैं सोच रही हूँ यहाँ पे निकाल लेते फोटो यहाँ पे निकाल लेते सेम लाइन। ये वो लोकेशन तेरे बिन। तो रणवीर सिंह ने तो वहां पे खड़े रह के शूट किया था और गाना वगैरह शूट किया था लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है तो हम वहां तो नहीं करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे यहीं से कर लेते हैं। आई थिंक इतना डिफरेंस है नहीं वहाँ दोनों। यहाँ पे भी आए होंगे यहाँ से ही गए होंगे अंदर। हाँ ना यहीं से गए होंगे तो अब क्या डीजे ये वगैरह कर रहे हैं। चलो फिर ले लेते यहाँ फोटोज। यस मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जगह मतलब मिलेगी। जितने पोज हमने देखे नहीं होंगे लाइफ में उतने पोज यहाँ दिए जा रहे हैं। आड़ा टेढ़ा सो के खड़े होके एक पैर दो पैर हर टाइप के फोटो निकाले जा रहे हैं। अरे बाप रे ओ माय गॉड। चलो मतलब हम ही क्रेजी नहीं है जब हम बहुत फोटोज निकालते हैं। यहाँ पे लोग ना अपना कैमरा वगैरह मस्त बड़े बड़े लेके आए हैं मतलब तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी आए हैं कुछ और कुछ इंस्टाग्रामर जो बहुत ही ज़्यादा फोटोज ऐसे आड़े टेढ़े कर कर निकाले जा रहे हैं। कुछ रील्स बन रही है बहुत ज़्यादा उस साइड में दिखाओ थोड़ा घुमाओ ऐसे कैमरा तो दिखेगा कि कितना मज़ा लिया जा रहा है लोकेशन का। अच्छा हैपनिंग प्लेस है। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। अब इस ब्यूटीफुल लोकेशन को करते हैं बाय बाय और चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। और अभी यहाँ पे भी देखो कितना टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे भी यहाँ फाउंटेन है तो फाउंटेन वाटर तो हर कहीं मिल जाता है आपको। तो चलते हैं अभी गार्डन की तरफ। और इसके बाद फिर हमने कुछ और टाइम इस वर्ल्ड विलेज को एक्सप्लोर किया और वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी था। और उसके बाद फिर हम चले गए इंटरलेकन वापस और वहाँ से फिर हमारे घर ज्यूरिक। तो आपको ये हमारी सीरीज़ इंटरलेकन की कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड के बारे में अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। और मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।